अगले कॉलर हैं हमारे साथ जम्मू से जसपाल जी, स्वागत है आपका। हेलो मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार सर। हकीम साहब को भी नमस्कार। जय हिंद साहब, बताइए क्या सवाल है। सर मेरे तीन चार सवाल हैं। एक तो मेरे लिए, मैंने गोलसिया खाया था, मेरे को बहुत ज्यादा आराम है जी। तो दूसरी बार भी मैंने मंगवाया, क्या मैं वो खा सकता हूँ? तो दूसरा सवाल है सर। हेलो जी जी जसपाल जी, हम सुन रहे हैं। सर दूसरा सवाल है मेरी 22 की बहन के बारे में है। उसको उसने पित्ते की पत्थरी निकाली थी, तो सर उसको रोटी हजम नहीं होती, गैस मतलब डकार आते रहते हैं, तो सिर दर्द होती रहती है, तो उसकी सेध नहीं बनती, मतलब कमजोर हो गई है। तो तीसरा सवाल मेरी माँ के लिए सर, उन्हें उनकी पेट में थोड़ा ठीक नहीं रहते, मतलब जैतून का नमक मंगवाया था मैंने, तो क्या उनके लिए कोई नुस्खा? तो चौथा है मेरी लड़की के लिए सर, वो मधु नारकेर खा रही है, तो उसको दाने दाने से होते हैं, गैस बनती है मतलब, तो वो भी जैतून का नमक, उसने दवाई बहुत खाई है, जैतून का नमक ले सकती है वो भी क्या? बहुत अच्छे सवाल किए हैं आपने जसपाल जी। पहले तो आपको मुबारक कि आपको भगवान ने फायदा दिया, और ये फायदा अपने तक मत रखना, तमाम जहाँ तक आप को लोग जानते हैं वहाँ तक पहुँचा दीजिए। लोग बहुत दुखी हैं और उनको इलाज नहीं मिल पाता, आप उन तक ये बात पहुँचाएँ कि एक ऐसा भी रॉ मटेरियल है जिससे फ़ायदा होता है, ये हम आपसे अनुरोध करते हैं। और सवाल बताइए। इन्होंने गौंसिया का इस्तेमाल किया था, आराम मिला है, दोबारा करना चाहते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, गौंसिया अपनी ज़रूरत में आप और भी ले सकते हैं, आपको फ़ायदा मुमकिन है। पत्नी की जो बहन है उनका पित्ता निकाल दिया गया, खाना हजम नहीं होता है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। जब घर में खाना बने तो आज मेरे तरीके से घर में खाना बनवाया, उनके घर में देखिए जो भी खाना बनाती है ना महिलाएं, उसमें अदरक इतनी सी डालती है, इतना सा लहसुन और इतना सा ही ज़ीरा और धनिया भी ज़रा सा, इतनी अदरक और इतना ही लहसुन, देखिए कितना मैं बता रहा हूँ, और ज़ीरा भी खूब सारा और धनिया भी खूब सारा, बस ये मसाले बढ़ा लें। जो शख्स ये मसाले इस कदर यूज़ करे, तो ये मसाले ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये मसाले और ये खाना सब्जी सालन पित्ते का काम करने लगता है। आप ये कभी इस्तेमाल करके देखें, और फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप नमक जैतून उन्हें दे सकते हैं, अलसी और धनिया हल्का सा भून के इसका पाउडर बना लें, एक चम्मच अलसी धनिया का पाउडर खाएं और एक चुटकी नमक जैतून दो गिलास पानी मिला के दिन भर में एक बार या दो बार पिला दिया करें, बच्ची को फ़ायदा मुमकिन है जी। अपनी मम्मी के लिए सवाल था, उनका पेट ठीक नहीं रहता। हाँ, नमक जैतून ले सकते हैं वो, और वो छह चीज़ों के साथ लें, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, छह चीज़ों का पाउडर घर में। अब जब से मुझसे जुड़े हैं लोग तो अपने घर में ये पाउडर बना के रखते हैं, छह चीज़ों का, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, इन सबको पाउडर बना के रखें, इसका एक चम्मच भर के खाएं और एक चुटकी नमक जैतून दो गिलास पानी मिलाकर खा लिया करें। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, 10-12 फ़ायदे होते हैं, एसिडिटी, कब्ज़, गैस, बवासीर, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, मुहासे, इन सब में फ़ायदा होता है। किसी को अगर इत्तफाकन इससे कम फायदा लगे तो एक चम्मच कैस्टर ऑयल पीकर गर्म पानी या चाय पी लिया करें, मज़ीद फ़ायदा भी मुमकिन है जी। आखिरी सवाल था अपनी बच्ची को लेके, बच्ची मधु नारकेर का इस्तेमाल कर रही हैं और काले दाने बनते हैं, तो क्या वो जैतून के नमक का इस्तेमाल कर सकते? हाँ, ज़रूर कर सकते हैं, बस एक चुटकी दो गिलास पानी में या एक बोतल में डाल लिया करें पूरी एक लीटर की, और ये पूरे दिन में ये एक बोतल पानी जिसमें एक चुटकी नमक जैतून पड़ा हुआ है,
ख़त्म कर लिया करें, और बाकी अपना ज़रूरत का पानी पी सकते हैं जो आमतौर पर पीते हैं, तो बच्ची को फ़ायदा मुमकिन है। 6-7 महीने बच्ची को इलाज करना है, अगर मुकम्मल फ़ायदा चाहिए तो।